हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लैब रिव्यूज़। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो होने वाली है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। सो जिन लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत क्रेज़ है वो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। उसके अलावा जो भी मैं आज की वीडियो में एक्सेसरीज, ज्वेलरी और जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो सारी पाकिस्तान बेस्ड ब्रांड्स और शॉप्स की होंगी और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, प्राइस रीज़नेबल होगी, क्वालिटी के हिसाब से उसकी प्राइजेज होंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ये कुछ ज्वेलरी जिसमें आ रहे हैं ये इयर रिंग्स, ये आप लोग देख सकते हो। और ये मैंने ऑर्डर की हैं बेहूरे एक्सेसरी से, ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेहूरे एक्सेसरी से। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर ली जाए तो पैकेजिंग में मुझे ये बॉक्स के अंदर ये रिसीव हुए थे। ये क्यूट सा बॉक्स है, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये क्यूट सा बॉक्स है, इसके अंदर मुझे ये इयरिंग्स रिसीव हुए थे और उसके साथ साथ उन्होंने ये कार्ड मतलब इयरिंग होल्डर्स भी दिए थे क्योंकि कोई इस पे लगाना चाहे तो लगा ले, तो मैंने ये इयरिंग होल्डर्स में लगाए हुए हैं। सो सबसे पहले बात कर ली थी इसकी क्वालिटी की। क्वालिटी आप लोगों को वैसे भी देख के आई गेस पता चल ही रहा होगा कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप कोई ज्वेलरी या कोई इयरिंग्स या कुछ ऐसा देखो तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि कौन सी ज्वेलरी क्वालिटी में अच्छी लग रही है, कौन सी चीप लग रही है। बट फिर भी इनकी क्वालिटी दोनों की ही बहुत अच्छी है। और इसके अलावा वेबसाइट प्राइजेज और हर चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी ताकि आप लोगों को अगर देखनी हो तो आप लोग वहाँ से ईजिली देख सको। उसके बाद क्वालिटी की बात की जो बहुत अच्छी है। और मेरे साथ बस एक ये हुआ था कि मुझे लगा था कि ये जो इयर रिंग है ये छोटा है, जैसे कि ये इस साइज़ का इयर रिंग है मुझे ये लगा था पिक्चर देख के, बट ये इयर रिंग बड़ा निकला। बट मैंने ये पहना तो ये बुरा नहीं लगता, ये भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप लोग फिर भी चाह रहे हो कि आप लोगों ने इतना बड़ा इयर रिंग नहीं पहनना तो इनके पास मतलब शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, ओवल शेप है बट है एग्जैक्ट यही इयर रिंग। और इनके पास इसमें कलर रेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और उसका साइज़ भी छोटा है, तो आप वो भी देख सकते हो इनके पेज पर जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो बात करते हैं मेरी नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो मैंने ऑर्डर की थी। अच्छा जी, जो नेक्स्ट इयर रिंग्स मैंने ऑर्डर किए थे ये आप लोग देख सकते हो। मैंने एक ये पर्ल लूप इयर रिंग्स ऑर्डर किए थे जो कि बहुत इन हुए हैं आजकल, ये आप लोग देख सकते हो। और उसके अलावा एक मैंने ये एक लीव स्टड्स ऑर्डर किए थे, ये आप लोग देख सकते हो, ये बहुत क्यूट है। और ये मैंने ऑर्डर किए हैं इंस्टाग्राम पेज है एक बैगैलरी वहाँ से, और इसका भी लिंक मैं ऐड कर दूँगी और प्राइस भी मेंशन कर दूँगी इनके, आप लोग देख सकते हो। अच्छा जी, बात की जाए क्वालिटी की तो प्राइस इसकी है 300 to 350 के करीब करीब प्राइस है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो इसकी प्राइस तो ऑब्वियसली 300-350 के हिसाब से आई गेस इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर आप कोई भी ज्वेलरी को पैक अच्छा करो या संभाल के रखो तो वो कभी भी ख़राब नहीं होती, तो आपको इस बात की खुद केयर करनी पड़ती है कि आप लोग उसको कैसे सेफली रखते हो। तो मुझे ये अच्छी लगी और ये मैंने पहना भी है, तो बहुत ही क्यूट इयरिंग्स है ये और प्राइस भी बहुत इनकी रीज़नेबल है। उसके अलावा जो ये वाले लीव स्टड्स इयरिंग्स हैं ये भी बहुत क्यूट से आप लोग देख सकते हो, आप कहीं भी पहन सकते हो ये ईजिली कैजुअली। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हो कि आप कुछ ऐसा पहनो जो डिसेंट लगे, बहुत हैवी ना लगे, तो आप लोग ये पहन सकते हो। और इसकी प्राइस थी 150, हाँ इसकी प्राइस थी 150, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी एग्जैक्ट प्राइस ऐड कर दूंगी। उसके अलावा इनका लिंक ऐड कर दूंगी, इनका इंस्टाग्राम का पेज भी है, उसके अलावा इनकी वेबसाइट भी है जहाँ पे आप इजीली जाकर ये ऑर्डर कर सकते हो। तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा जी, जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी है असल में ज्वेलरी, ये हैं कड़े। पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग के बारे में बता देती क्योंकि मैं बहुत इंप्रेस हुई थी इनके पैकेजिंग से। ये सबसे पहले मुझे आया था इस तरह के बैग में, कपड़े का बैग है ये, इसमें आया था और उसके बाद उसके अंदर से ये बॉक्स निकला था। और आप ये बॉक्स देख सकते हो, ये ऐसा बॉक्स है, ये ऐसा बॉक्स निकला था। और उसके अलावा एक बात और, ये वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं, सो जो पाकिस्तान से बाहर रह सकते हैं वो भी ये ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, इनकी पैकेजिंग बहुत ही कमाल है, ये आप लोग देख सकते हो। ऐसे के अंदर कड़े भी इन्होंने फुल पैक किए हुए हैं और मैं आपको भी दिखाती हूँ। और ये इन्होंने सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा हुआ है कि आपके पास कोई चीज़ डैमेज होकर ना पहुँचे, ये आप लोग देख सकते हो ये कड़े हैं। और उसके अलावा ये हर कला सेपरेटली, पहले ये कड़ा इसके अंदर है ये देखें, और इसके अलावा ये सेपरेटली फिर पैक है। और आप लोग देख सकते हो बॉक्स नीचे से फुली कवर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग कड़ा निकाल लेते हैं बाहर, आप लोगों को मैं दिखा दूँ इसकी क्वालिटी कैसी है और ये कैसी चीज़ है। मुझे तो ये चीज़ बहुत ही डिफरेंट यूनिक लगी थी, सो मैंने ऑर्डर कर ली। अच्छा जी, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है ये कड़ा, बहुत ही प्यारा करा है और इसकी बहुत ही यूनिक सी और डिफरेंट सी लुक है। मैंने तो यहाँ पे कोई और करा कभी ऐसा देखा नहीं है, सो मैंने ये ऑर्डर कर ली। मैं आप लोगों को दूसरा भी दिखा देती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी प्राइस। ये आप लोग देख सकते हो, ये दो कड़े मुझे मिले थे
अच्छा जी, अब इसकी प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हो और आप लोग देख सकते हो करे बहुत ही प्यारे हैं, उनके पास साइजेस भी अवेलेबल थे और सबसे मज़े की बात ये लोग पाकिस्तान से बाहर भी डिलीवरी करते हैं। और एक मज़े की बात और कि इस कड़े में कोई लॉक नहीं है, बट ये कड़ा ऐसे खुलता है, आप लोग ऐसे सो आप इजीली इसको वेयर कर सकते हो और बहुत कंफर्टेबल करा है बिल्कुल। ये नहीं कि आपको होता है ना कुछ कड़े या कुछ ज्वेलरी आपकी स्किन को ख़राब करती है कि चुभता है, लेकिन ये वैसा बिल्कुल भी नहीं। ठहरे मैं आप लोगों को ना ये पहन के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए ये आप लोग देख सकते हैं, ये है कड़ा, बहुत ही प्यारा कड़ा है और इसमें साइजेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें कि आपको कोई साइज़ नहीं, ये वैसे जो ये वाला साइज़ है ये 2.5 साइज़ है, आप लोगों को ये भी बता दूँ, ये साइज़ 2.5 है और ये 2.5 ही है क्योंकि ये पूरा आ गया है, ये साइज़ के मुताबिक था ठीक। और इसकी प्राइस और इसकी वेबसाइट और इसका लिंक, इंस्टाग्राम पेज, हर चीज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करती जा रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हैं ये कुछ हेडबैंड, जिसमें से एक ये टर्बन हेडबैंड है और एक ये बो हेडबैंड है, और ये मैंने ऑर्डर की थी एक इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ से, आप लोग देख सकते हैं बहुत क्यूट है। अच्छा, मटेरियल की पहले बात कर लेते हैं, जो मटेरियल है इसका वो है सिल्क, बट नॉट स्लिपरी वाला सिल्क, ये बहुत ही ऐसा ये नहीं है कि अगर ये सिल्क है तो ये आपके बालों पे टिकेगा नहीं, मैंने ये वेयर किया है तो ये आपके बालों पे इसकी ग्रिप अच्छी है, ये नहीं कि ये स्लिप होके उतरी जा रहा है ठीक है। बस डिपेंड करते हैं कि आपके साइज़ के मुताबिक हो, आपके साइज़ से खुला होगा तो ऑब्वियसली अगर कोई हेडबैंड वेलवेट का भी होगा तो वो भी आपके बालों से स्लिप होगा होगा। सो ये बहुत ही क्यूट सा था, बो इसकी बनी हुई थी और आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही क्यूट सा प्रिंट है, बहुत ही मज़े का प्रिंट है। उसके अलावा वो बो हेडबैंड है और जो मैंने एक और हेडबैंड ऑर्डर किया था ये है टर्बन हेडबैंड, ये इस तरह से ऊपर आएगा इसका ये पोर्शन, ये भी सिल्क ही मटेरियल है और आप इसका भी प्रिंट देख सकते हो। असल में मुझे प्रिंट्स और इनके कलर्स ने अट्रैक्ट किया था सो मैंने ये दो ऑर्डर कर लिए थे। और इसका जो इंस्टाग्राम पेज है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, इनका सिर्फ फिलहाल इंस्टाग्राम का ही पेज है। और प्राइस मैं आपको बता दूँ 350 ईच, मतलब ये एक हेडबैंड 350 का है क्योंकि ये प्रिंटेड है, बट इनकी प्राइस रेंज वेरीज करती हैं कि अगर आपकी प्लेन हेडबैंड है तो वो थोड़ा सा लेस थोड़ा कम पैसों का होगा, और अगर इस तरह ही जो चीज़ मतलब जैसे जैसे होगा वैसे वैसे प्राइस ऐड होती जाएगी। बट ये जो दो हेडबैंड्स है ये 350 का मैंने एक लिया और 350 का मैंने एक लिया, 700 में मैंने दोनों बाय किए और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, बहुत ही क्यूट से लगते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके साथ पिक्चर भी शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ कि जब मैंने ये हेडबैंड पहना था, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये कैसा लगेगा। तो चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। तो फिलहाल एक्सेसरीज और ज्वेलरी मेरे पास यही थी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जीन। ओके, सो ये है जीन्स जो मैंने ऑर्डर की है ईलो से। ईलो स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स, जो कि पाकिस्तान में बेस्ड है। मैं पहले भी इनसे काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर चुकी हूँ और उसका मैंने रिव्यू भी डाला हुआ है अपने यूट्यूब पेज पर, अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो मैं वो भी ऐड कर दूँगी, बट वो क्लोदिंग नहीं है, वो एक्सेसरीज हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं ठीक। तो मैंने ये ऑर्डर किया ईलो से। और उसके अलावा मज़े की बात ये है कि इनकी जीन्स की जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा लो प्राइसेस में अच्छी क्वालिटी देते हैं ठीक। तो ये है जीन्स ठीक इनकी, और ये स्ट्रेचेबल सी है, बहुत कंफर्टेबल है, इजी टू वेयर है, बहुत कंफर्टेबल है, ये पहन के आपको लगता ही नहीं आपने जीन्स पहनी हुई है, बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। और दूसरी बात, क्वालिटी इसकी बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है, ज़्यादा इतनी मोटी भी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है, आप ये गर्मियों में पहन सकते हो ईजिली। और मज़े की बात ये कि ये लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि जब मैंने ये ऑर्डर की थी तो मुझे असल में ना गलत जीन्स मिल गई थी, इन्होंने मुझे गलती से दूसरी जीन्स भेज दी थी। तो जब मैंने इनसे बात की और इनको कंप्लेन की तो इन्होंने मुझे फ़ौरन रिप्लेस कर दी, मतलब मुझे दो दिन के अंदर अंदर मुझे नई जीन्स रिसीव हो गई थी। और इसकी प्राइस 750 है और डिलीवरी चार्जेस ऐड करके मुझे 1000 रुपीज़ में ये जीन्स मिल गई। आप सोच लो 1000 रुपीज़ में आपको एक अच्छी क्वालिटी की जीन मिल रही है, तो इसका मतलब वो अच्छी ही होगी। और एक्सपोर्ट लिफ्ट ओवर्स की और भी मैंने चीज़ ऑर्डर की है, तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल इसके साथ बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग कुछ और भी देखना चाहो तो आप ज़रूर ट्राई करो कि आप इससे ऑर्डर कर सको। इसके अलावा मैं आप लोग एक दफ़ा जीन्स पूरी भी दिखा देती हूँ कि ये है कैसी, ये देख सकते हैं आप, ये जीन्स है ठीक है, ये स्ट्रेट जीन है, ना स्किनी जीन है, फिटिंग वाली जीन नहीं है। सो यस, अच्छा जी, अब जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखाने वाली प्रोडक्ट वो है क्यूलेट, जो कि मैंने ऑर्डर किया है, पाकिस्तान बेस्ड ब्रांड है, पाकिस्तान बेस्ड ब्रांड है, 999 आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये आप लोग ये भी देख सकते हो इस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है ठीक।
तो इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा ये क्यूलेट मैंने ऑर्डर की, ब्लैक कलर का मैंने इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि ब्लैक आप हर ड्रेस के साथ पहन सकते हो। और इसके साथ आप लोग देख सकते हो इन्होंने ये बेल्ट सी दी हुई, आप लोग इसका बो बना सकते हो, फिटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से हर चीज़। और इसके अलावा मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ कि इसकी फिटिंग कैसी, इसकी लुक कैसी आती है। सो ये है इसकी फिटिंग और इसकी लुक, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आता है नीचे। और इनके पास साइजेस एक्सल, एक्सल लार्ज, डबल एक्सल लार्ज तक भी अवेलेबल है। सो अगर आप सोच रहे हो कि आपका साइज़ कहीं नहीं मिलेगा, तो आपका साइज़ इधर इजीली अवेलेबल होगा क्योंकि इनके पास सारे साइजेस अवेलेबल हैं। और मटेरियल की बात की जाए, क्वालिटी की बात की जाए, तो जो मटेरियल है इनका वो थोड़ा सा मोटा है, बट ये है कि वो इतना मोटा नहीं है कि आप गर्मियों में पहन ना सको, आप गर्मियों में भी पहन सकते हो। आप लोग देख सकते हो बहुत ही फाइनली स्टिच्ड है, ये देखिए। सो क्वालिटी अच्छी है इसकी और मटेरियल इतना भी मतलब कि मोटा नहीं आप कह सकते, बट ऐसे कह सकते हो कि सर्दियों में भी आप पहन सकते हो इसको, ऐसा है ये, ठीक है। तो और स्ट्रेचेबल है, आप लोग देख सकते हो स्ट्रेचेबल है ये। तो अगर आप लोगों को मतलब कोई ऐसी लड़कियां जिनको पूरे मतलब कि कपड़े नहीं ऑनलाइन मिलते इजीली, या उनको होता है डर कि अगर वो कुछ ऑर्डर कर दे और उनको साइज़ छोटा निकला या कुछ भी, तो ये लोग रिप्लेस भी कर लेते हैं। और उसके अलावा इनके पास वैसे साइजेस होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई गलत साइज़ भी आ जाता है तो ये लोग उसको रिप्लेस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं बनाते हैं कि आपने पहले ये ले लिया, पहले आपने ये ले लिया, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।